जी हाँ दोस्तों, अतीक अहमद के साथ हुए मामले के बाद हर किसी के होश पूरी तरह से उड़ चुके हैं, क्योंकि गैंगस्टर और बाहुबली अतीक अहमद के साथ जो भी मामला सामने आया वो सभी ने देखा। हैरान कर देने वाले इस मामले को सुनने के बाद कई लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि माफिया और इस तरह के खतरनाक अपराधियों को यही सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे में नीरज बवाना गैंग की तरफ से अतीक का बदला लेने की बात कही गई है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ भी सिद्धू मूसेवाले की तरह ही इस मामले में भी नजर आ रहा है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और बवाना गैंग के बीच हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। और ऐसे में अब एक गुर्गे की तरफ से एक फेसबुक पर पोस्ट साझा किया गया, जिसमें अतीक अहमद के साथ हुई इस गलत हरकत का बदला लेने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, उन तीनों गुर्गों से बदला लिया जाएगा जिन्होंने कानून के होते हुए भी कानून को अपने हाथ में लिया। इस तरह की चीजें अगर भविष्य में बढ़ेंगी तो यकीनन कानून पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और हम ये नहीं चाहते। इस तरह की चीजों को अब रोकना ही होगा और हमें खुद ही फैसला लेना होगा। इस तरह से नीरज बवाना ने अपनी गैंग के जरिए ये मैसेज दुनिया के सामने पेश कर दिया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि बवाना का ये फैसला ठीक भी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।